हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को समुचित परिवहन सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से किलोमीटर स्कीम के तहत 190 बसें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से 66 बसें पूरी तरह से तैयार हैं जो जल्द ही रूटों पर चलने लगेंगी। उन्होंने सोमवार को चंडीगढ़ में किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जाने वाली 190 बसों के ऑपरेटरों से बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि ये 66 बसें गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद जिलों में चलाई जाएंगी। इसके अलावा शेष बसें भी जल्द ही सड़कों पर आ जाएंगी और आने वाले समय में लोगों को बसों की कमी से निजात मिलेगा। जो 190 जो बस जो कॉन्ट्रैक्ट आनी थी किलोमीटर स्कीम में, और 190 बस का जो समय जो पूरा हो रहा है उनमें 66 बस हम आने वाले 10 दिन में 66 पर रोड पर लाएंगे, चाहे गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल 66 बस, और बाकी जो बस हैं वो भी आने वाले 25 दिन में सभी बसें रोड पर रहेंगे, और उनका रजिस्ट्रेशन जो बसें रोडवेज में अपना रजिस्टर कराएंगे उनके सबके रजिस्ट्रेशन हम आरटी से करा देंगे। और हमने कहा है कि जो भी बस हैं जिनको किसी कारण बस से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और जाके अपने आरटी से अपना नंबर रजिस्ट्रेशन कराएं, और इससे लोगों को जो बसों की जो कमी है, जो समस्या है, उससे आने वाले समय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।